चलित वर्ष स्वाभाविक ठारु अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु केरल छुईवा पूर्व आसला आईएमडी पूर्वानुमान एप्रिल समान पूर्वानुमान कर भारतीय पाणीपाग विभाग ए वर्ष जून रु सेप्टेम्बर पर्यंत देश में हाराहारी 106% वर्षा हो आकलन कर आईएमडी केन्द्रीय एवं दक्षिण भारत में स्वाभाविक ठारु अधिक वर्षा हो 106% रु अधिक वर्षा होगा नहीं पूर्वानुमान कर आईएमडी से भाई उत्तर पूर्व भारत में स्वाभाविक ठारु कम वृष्टिपात हो 94% रु कम वृष्टिपात हो पारे उत्तर पश्चिम भारत में स्वाभाविक वृष्टिपात होड़शार स्वाभाविक ठारु कम वृष्टिपात हो तेबे जून रे स्वाभाविक ठारु कम वृष्टिपात आसंता चार दिन भितर मौसुमी वायु केरल छुईवाई पाग अनुकूल रही आईएमडी डीजी कहते अनेपटे ए वर्ष जून मासरे उत्तर पश्चिम भारत एवं यार आखपाख अंचल तुलनात्मक भाव अधिक दिन ग्रीष्म लहरी अनुभूत आईएमडी पूर्वानुमान करिछि एबे उत्तर भारत में भीषण ग्रीष्म लहरी जारी रही राजस्थान में 50 डिग्री दिल्ली में 48 डिग्री टपिछि पारद पूरी भारत वर्ष के एवरेज रेनफॉल सामान्य से 6% ज्यादा होने का संभावना है। सामान्यतः 87 सेंटीमीटर रेनफॉल 1 जून से 30 सितंबर के दौरान रिकॉर्ड किया जाता है पूरी इंडिया के एवरेज लेते हुए, और इस बार इसी पीरियड में 87 सेंटीमीटर की 106% होने का संभावना है। और हमारा ये जो मॉडल है इसका एरर होता है ±4%, यानी 106% ±4% रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया गया है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखें पूरे कंट्री में, जैसे हमने पहले चरण में 15 अप्रैल को बताया था, अभी पूर्वानुमान इसी तरीका का है। लगभग अधिकांश जगह में नॉर्मल से एवो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्से जैसे कि उड़ीसा और इसके आसपास गैंगटॉक वेस्ट बंगाल साउथ झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्से में बिलो नॉर्मल रेनफॉल प्रोबेबिलिटी का पूर्वानुमान किया गया है। देवाशिष जेना पाणीपाग विज्ञानी सहित जोड़ी होती अधिक आलोचना श्रीजुक्त जेना आपंक स्वागत करुच्छे कलिंग टीवी को। चलित बर्ष देश में स्वाभाविक ठारु अधिक वर्षा होने आकलन करशा कथा जदि देखा ओडिशा रे स्वाभाविक ठारु कम वृष्टिपात हो। आज्ञा आज्ञा नमस्कार। देखो बर्तमान जहाँ सूचना रही जेहेतु बर्तमान लालिना कंडीशन आग को सूचना रोचे मौसुमी ऋतु तो जार प्रभाव में आपणकर भारत वर्ष अधिकांश जगार स्वाभाविक रु अधिक वर्षा हबार संभावना रोचे जोटा कि गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया लालिना समय रे। किंतु जदि डिस्ट्रीब्यूशन आप देखु जेपरी आलोचना होता लालिना समय अधिकांश टाइम आपणकर ईस्टर्न पार्ट जो रही इंडियन कंटिनेंट सेठी मुख्यतः भाव किसी जगह कम वर्षा ही था, किंतु साउथ पार्ट सेंट्रल पार्ट एवं वेस्ट पार्ट अधिक वर्षा साधारण भाव ही था। यार मुख्य कारण वाल्कर सेल सर्कुलेशन हार्डली सर्कुलेशन बहुत गुड़ा अच्छी पाणीपाग नियामक जार शिपमेंट बा स्थान परिवर्तन जो आस्ते आस्ते बढ़िया प्रक्रिया है जहाँ भितर आप ओडिशा गांगेटिक वेस्ट बंगाल आसूची जदि आम पूर्व भारत देखा तो ओडिशा रा अधिकांश जगार स्वाभाविक तथा स्वाभाविक रु कम वर्षा रहिबार संभावना मुख्यतः अच्छी जार प्रभाव मुख्यतः रूपे चाष क्षेत्र में पड़बार संभावना रही। आज्ञा जदि कह जून रे आउ किछ दिन भितरे केरल छुईब मौसुमी एवं जून मासरे जो भाई भाव में रज समय रे मौसुमी छुईबार संभावना थाए आगर कह जाता चलित बर्ष से सिचुएशन देखा मिल देखु वर्तमान तो आगामी 5 दिन में दक्षिण भारत में मौसुमी अग्रसर पाग अनुकूल अच्छी मुख्यतः केरल हो तमिलनाडु हो यही सब अंचल आस्ते आस्ते साउथ इंडिया रे ठीक टाइम रे अर्थात जून फर्स्ट वीक भीतर मनसून अनसेट हो जाए पारे किंतु ता परवर्ती समय रे टिके आपणकर स्लगिश पैटर्न रहिबो मनसून फ्लो रो अर्थात टिके विलंब हो पारे ओडिशा तथा एडजॉइनिंग एरिया रे जे स्वाभाविक भाव 10 रु 15 भीतर मौसुमी ओडिशा आसी थाए किंतु टिके विलंब सूचना वर्तमान रहुचे मौसुमी ओडिशा आसला को मौसुमी विलंब रे आसीबो एवं जदि कहबा ओडिशा रे स्वाभाविक ठारु कम वृष्टिपात हेबो। बहुत बहुत धन्यवाद आपनको समस्त आलोचना पाई।